नमस्कार दोस्तों, राम कलर दोस्तों, प्रतापगढ़ फिटनेस में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूँ हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको हम तीन ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से और बहुत तेजी से अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी हाइट इंक्रीज होगी, लेकिन कुछ इसमें शर्तें होती हैं। जैसे आपकी उम्र 21 के अंदर है, 22 के अंदर उम्र है आपकी, तो जैसे 16, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के अंदर अगर है तो बहुत ही तेज़ी से आपके हाइट जो है, लंबाई जो है, बढ़ा सकते हैं और बढ़ती भी है। लोग यही फार्मूला अपना करके अपने हाइट को बढ़ाएं। हमारा दोस्तों क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लंबाई नहीं थी, लेकिन हमने जो भी एक्सरसाइज किया, जिस हिसाब से अपने हाइट को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव किया, बहुत तेज़ी से बढ़ाया और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी हाइट बढ़ भी गई। अभी हमारी हाइट अगर हम बात करते हैं तो 5 फीट 11 इंची है, तो आप लोग भी अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो हम बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसा हर वीडियो आपको मिलता रहे। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर हम मैसेज भेज सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले फार्मूला का, पहला फार्मूला आता है दोस्तों रनिंग का। रनिंग से हमारा हाइट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब हम दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाने से क्या है, हमारे पंजे भल दौड़ना है, ज्यादा नहीं 100 मीटर फुल रफ्तार में दौड़ना है। जब आप पंजे के बल पे रनिंग करेंगे, दौड़ लगाएंगे, तो इससे क्या है कि आपके जो पंजे हैं उछलेंगे, यानी खुलेगी। आपको तीनों एक्सरसाइज करना है, मतलब एक ही दिन में कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं या बदल बदल के कर सकते हैं। तो रनिंग हो गया, रनिंग जब भी हम करेंगे ऐसे पंजे भल करने है, जब पंजे से हम रनिंग करते हैं तो एक छलांग होती है। तो हमारे देखो जो शरीर का जिस अंग को हम जो है एक्सरसाइज करते हैं वो विकसित होती है, यानी विकास होता है। तो रनिंग करने से ऐसे हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में पैदा होता है जिससे हमारी हाइट पर असर डालती है। तो रनिंग हमें 100 मीटर तक करनी है, फुल रेस में फुल पूरी ताकत लगा देना है। उससे क्या है, पूरी तरह से आपका जो है शरीर एक बार खुल जाएगा, यानी जो भी नसें वगैरह चपटी होती हैं, हड्डियां वगियां सब होती हैं, सब खुलने लगेंगी और लंबाई आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। ये तो हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर हम बात करते हैं तो दूसरा फार्मूला आता है साइकिल चलाना। अगर हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने से क्या है, हमारी जो मांसपेशियाँ काम करती हैं, रेगुलर लगातार काम करती हैं। इससे क्या है कि हमारी जो है बहुत बढ़िया से पैर पर दबाव पड़ता है, लचलचा होता है और चलाते हैं। आप भी चला सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी आपकी इच्छा हो, लेकिन साइकिल चलाने से भी आपकी हाइट जो है इंक्रीज होगी, आपका लंबाई जो है बढ़ेगा। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आता है बीम। बीम जो है हम चुम सकते हैं। बीम चुमने से क्या है, जिसे बीम बोलते हैं, कहीं कहीं जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो क्या है हमारी ये खट खट पूरा जो है नसें होती हैं बीम मारने से, और उसके बाद आपको पकड़ के लटकने हैं, जितनी देर आप लटक सकते हैं लटकना है, पूरे ऐसे हाथ पैर करना है। कुछ लोग पैर को भी लटका सकते हैं ऐसे, जो भी बीम होता है लकड़ी नीचे हाथ ऐसे करके हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी नसें जो भी मांसपेशियाँ हैं खिंचाव होगा। तो जिसका हम खिंचाव करेंगे अपने शरीर में तो वो विकसित होता है। तो इससे क्या है कि अगर हम बीम की तरह जो चुम्मा जाता है, बीम को पकड़ कर लटकते हैं, डाल को पकड़ते हैं, कुछ लोग बांस लगा देते हैं पकड़ कर लटकते हैं, तो उससे क्या है उनकी मांसपेशियाँ जो होती हैं पूरा खिंच जाती हैं, उससे हमारी जो आपकी जो मांसपेशी है खींचेगी, तो उससे आपका जो लंबाई है, हाइट है, वो बढ़ेगी। तो आपको रेगुलर करना है, आप रेगुलर लगातार सभी एक्सरसाइज करते रहिए। ऐसे नहीं कि एक एक्सरसाइज की एक नहीं की, मतलब हर एक्सरसाइज करिए। हर एक्सरसाइज करने से हर अलग अलग उसके बेनिफिट हैं, अलग अलग फायदे हैं। तो सभी एक्सरसाइज आप पर डे करिए, सुबह भी करिए शाम को भी करिए, फिर देखिए किस तरह से आपकी ये तीनों एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो बढ़िया तरीके से आपकी जो है लंबाई
बहुत बढ़िया से जो है लंबाई पूरी तरह से आ जाएगी और आप लंबे चौड़े देखने को मिलता है। कोई छोटे हैं तो एक इम्प्रेशन ख़राब होता है। आप शादी विवाह में गए कहीं भी गए अगर आप बढ़िया सा है देख रहे हो हिस्ट पुष्ट दिख रहा है बॉडी फिटनेस बढ़िया है तो देखने के लोग हाँ भाई अब नाटे से छोटे है उससे क्या है कि थोड़ा इम्प्रेशन ख़राब पड़ता है। तो क्या है अपनी हाइट भी थोड़ा इम्प्रूव करिए। तो इसी तरीके से आप तीनों फार्मूला अपना करके अपने हाइट को और लंबाई को बढ़ा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।